जंगल जंगल काफ़ी छोटा है, अभी जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब यही पता। राम राम जी, सब बढ़िया है? चलिए अच्छा है। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 7 और मस्त नहा के रेडी हो गए और पूजा भी कर लिए, तो फिलहाल करते हैं हम नाश्ता, इसके बाद निकलेंगे हम घूमने के लिए। तो ये देखिए नाश्ता में हमारा डेली दही और आलू का भुजिया और रोटी। डेली नाश्ता हो गया है, अब हम निकलते हैं फटाफट और हम अपने साथ में ये खाना भी ले लिए, क्योंकि उधर से लौटने में हमको काफ़ी लेट हो जाएगा, लगभग तो 1 बज जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी दूर तक ले घूमना है, मतलब घूमेंगे 10 ही किलोमीटर के दायरे में और वहाँ पर समय ज़्यादा बिताएंगे, इसीलिए खाने के लिए भी ले लिए हैं। ये हमारा ख़राब हो गया, ये देखिए दबा रहे ना, ये रिवर्स ले नहीं रहा, इसको दबा करके इसको खींचेंगे तभी होगा, ख़राब हो गया है। अच्छा जरा तो अब हम पहुंचने वाले हैं खरियानी, वैसे अभी तक में हम एक गांव क्रॉस किए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग को भी हम दिखाने जा रहे हैं। वैसे बहुत पुराना टाइम में देखने को मिलता होगा, लेकिन आज आप लोग फिर से देखिए, ये देखिए बैलगाड़ी पर, वाओ वाले के यार ताज़ा हो गया गाइस। ऐसे ही लोग बैलगाड़ी पर बैठ करके कहीं भी यात्रा ट्राई करते थे। फिलहाल हमारा साइकिल का चैन खुल गया, वैसे अक्सर खुलता है लेकिन इस बार की तरह नहीं, लग ही नहीं रहा है, जैसे घुरा रहे चक्का को जा रहा है, चैन लग ही नहीं रहा, मतलब फंस। ये देखिए ठुमुक ठुमुक चलत ससुरार, ये हम आ गए हैं खरियानी, अभी फिलहाल ये अंदर चलेंगे ना, इधर खरियानी हो जाएगा, वैसे हमको सीधे चलना है। हाँ तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कौन कौन बैलगाड़ी पर सवारी किया है, वैसे झूठ नहीं, सच में किए होंगे तभी बताइएगा। वैसे हम तो बैलगाड़ी का सवारी किए हैं बहुत पहले, हमारा दोस्त का एक दादा थे ना, वो चलाया करते थे, तभी हम बैलगाड़ी की सवारी किए थे, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बैलगाड़ी की सवारी देख करके हमको नदिया का पार मूवी का याद आ गया, आया ना, तो कौन सा गाना है, कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कहीं ठहर ठहर सुहानी सी नगर, यही तो है, मतलब सुहाना सा पल भी देख पाइएगा बैलगाड़ी से। और इन्हीं सुहाने से पल को देखने के लिए हम अपने घर से इतने दूर साइकिल से आए हुए हैं, और प्रकृति को रिलेट करने के लिए, फील भी करने के लिए फिलहाल हम इस जंगल के पास रुके हुए हैं, बगीचा लगाया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमते हैं, इसके बाद और आगे की ओर चलेंगे। वैसे आप लोग ये सब दृश्य देख करके कैसा फील हो रहा है, हमको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, मज़ा आया यहाँ पर, चारों तरफ एकदम घास ही घास दिख रहा है, सब घास लगाया गया, सागवान का है, एक नंबर लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी मस्त स्वाद चल रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। वैसे आप लोगों को कैसा लगा, वैसे सीन दिख रहा है ना फिल्मी में, जो गाना है ना एक ठो कि हाँ गोविंदा का, तू जो रूठी तो मैं भी रूठ के दूर कहीं चली जाऊंगी, सारे उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी, इस तरह का ढेर सारा गांच रहता है, गोविंदा चल जाता है छिप जाता है और दिव्या भारती रहती है, बट दिव्या भारती अब नहीं रही हम लोग के बीच, तो चलिए और आगे चलते हैं। और ये रहा किसान का सोना जो खुले गगन के नीचे खेतों में लहरा रहा है। वैसे हमको खेतों में घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बस सुहाना मौसम होना चाहिए, ज़्यादा धूप ना ना ज़्यादा ठंडा भी, मतलब हल्का जिसको बोलता है वसंत ऋतु, इस टाइप में घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता है। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बैठ करके थोड़ा नेचर को रिलेट करना चाहेंगे, फील करना चाहेंगे, ये भी हमसे क्या कुछ नहीं कहती है, बस समझने का देरी होता है इंसान को, फील करना चाहिए, वही फील करने का हम कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल हम चलते चलते अपने घर से 9.7 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और फ़िलहाल हम ये देखने में और काफ़ी मस्त सीन भी आ रहा है, उतरे हुए लगाए हुए हैं, और रोड जाने का रास्ता इधर, हम इधर से फिलहाल आए हुए हैं, अभी इधर आगे की ओर बढ़ेंगे। वैसे इधर का सीन देखिए आपको कितना मस्त लग रहा है, सब सूखा हुआ है, क्या लग रहा है आपको, कोई मर गया है? नहीं, मरा नहीं है, कोई पतझड़ है ना, सारा पत्ता इन का झरा हुआ है, देखिए अभी आपको चेक करके दिखाते हैं, देखिए हरा है ना, हरा 10 से 15 दिन में सब में पत्ता आ जाएगा, फिर इसके बाद पूरी हरियाली हो जाएगा, काफ़ी मस्त लगेगा तभी देखने में। वैसे ये झाड़ी हमको जाते वक्त दिखा ना, तो सोचे चलो यहाँ पर थोड़ा घूम लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे की ओर चलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, और आप लोग को भी ये सुंदर सा पल दिखाने के लिए, मतलब हर एक पल को सोचते हैं हम अपने कैमरा में कैद कर ले, जो हमको हमको अच्छा लग रहा है शायद आपको भी अच्छा लगे। पर इधर के पानी वानी एकदम सूखा हुआ है, काफ़ी मस्त लग रहा है, इस जगह का सीन गोलाई आकार में बनाया गया है। अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ दूर चलेंगे, इसके बाद
खाना खाने का जगह खोजेंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक ले हमने साइकिल चला लिया, थोड़ा भूख भी लगा हुआ है और अभी तक ले हमको पानी कहीं नहीं मिला। वैसे हम अपने साथ पानी लाए हुए हैं, होता है ना नदी किनारे उनारे ऐसा जगह मिल जाएगा तो ताकि खाने के बाद बर्तन उर्तन धो पाएँ हम, वैसा जगह के तलाश में अब निकलते हैं यहाँ से। वैसे ये वाला सीन तो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बता दीजिए, कॉमेंट करिएगा ना ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपको पास भेज सके। का सीन देखिए, काफ़ी दूर दूर तक ले एकदम खाली ही दिख रहा है, बहुत दूर दूर पर गांछ दिख रहा है। वैसे अभी तक मैं जिधर भी आए ना काफ़ी नज़दीक नज़दीक गांछ दिख रहा था, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा, इधर फिर से गांछ हो गया, खजूर गांछ और इधर भी ढेर सारा। ये कौन सा पक्षी है आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके। अभी फिलहाल हम चलते चलते एक नदी के किनारे आए हुए हैं, फिलहाल ये नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा कम है तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। उड़ते हुए भाग गया, उसी के पीछे चल रहे थे। उसके माथा पर लाल था और साइड ब्लैक ब्लैक और हल्का हल्का वाइट वाइट था। फिलहाल हम अपना साइकिल को वहाँ पर लगाए हुए हैं वहाँ पे, और काफ़ी तेज एकदम मस्त हवा चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत नदी में मस्ती करते हैं। नदी थोड़ा फंस गया जी, क्या समझा करो कि नदी से बाहर निकलने के बाद अभी फिलहाल हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ एकदम चल रहा है और नदी का पानी काफ़ी ठंडा है और पानी बहुत कम है लेकिन नदी में, लेकिन जो भी पानी मस्त है, कितने से पानी है। और फिलहाल यहाँ पर ताड़ गाछ है, चारों तरफ ताड़ गाछ, यहाँ पर हमको ज़्यादा बढ़िया मिला। यहीं पर बैठ करके अभी फिलहाल हम खाना खाएंगे। काफ़ी दूर घूमने उमने के बाद बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमे, उधर वैसा जगह नहीं मिला, लेकिन अब आई लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर, आई लव यू ऑल सब्सक्राइबर। हाँ तो कैसा रहा हमारा ये छोटा सा गुलदस्ता, ये टिटवाट का पौधा है और ये सब को तो आप लोग जान ही रहे हैं गेहूँ का पौधा है, जो कि हो भी गया है गेहूँ। ये सब हमने ये प्राकृतिक से चुराया है बस आप लोग के लिए, आई लव यू। अब चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करते हैं और घर भी निकलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है 12:30 और खूब मस्ती की आज, बहुत अच्छा लगा हमको इन प्राकृतिकों में घूमे एकदम, चारों तरफ मस्त हवा हुआ चल रहा है, घर को एकदम छोड़ करके अकेले एकदम शांत वातावरण, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे आप लोग ऐसा कर रहे अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा। तो फिलहाल ये वाले लोकेशन को हमने चूज किया जो कि बस बगल में है, ताड़गांज पीछे हो गया और इसके बगल में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है और वहाँ घास उस नहीं है ना, वहाँ खाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इस जगह पर हम बैठ करके खाते हैं क्योंकि यहाँ पर घास उस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने साथ पानी उनी सब चीज़ लेकर के आए हैं। पहला हो गया ये हमारा टिफिन जिसमें हमारा खाने का आहार है, और ये हो गया बॉटल, और भी कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। और ये देखिए टॉर्चो है, हो सकता है लौटने में शाम हो जाएगा तो लाइट बार उड़ लेंगे। इसको रख दे ताकि ये गमछी नहीं उड़ी आएगा। फाइनली हमारा पेट तो भर गया और रोटी भी बच गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम रोटी लेकर आ गए थे, घर से 6 रोटी लेकर आ गए। ये देखिए 2 रोटी बच गई और थोड़ा सा भुजिया बचा हुआ है। फटाफट पानी पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे बहुत मज़ा आया, खाना कम खाए नौटंकी ज़्यादा किए हम, आपको वीडियो में बस देखा होगा 2 मिनट 1 मिनट जो भी, लेकिन इधर उधर घूर फिर मतलब काफ़ी मज़ा आया। ऐसा घर में मज़ा नहीं मिलेगा आपको, खुले में एकदम बैठे रहेगा एकदम प्रकृति के बीच में, हवा में खाना खाइएगा आसपास, कोई इतना अच्छा लगता है। कोई भी इस तरह का ब्लॉग व्लॉग बनाता वो रिलेट जरूर कर पाता होगा। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आना जाना होगा चाय के बहाना, हो सके तो बगल वाले को फंसाना। तो अभी फिलहाल हमारा पैर कट गया है और थोड़ा सा ब्लड जाने लगा था ना, तो फिलहाल इसमें हम ये कपड़ा बांध दिए हैं और चप्पल पहन लिए। वैसे साइकिल का चैन भी खुल गया, एक पत्थर आ गया उससे टकराने के बाद हमारे साथ ऐसा हो गया, चैन में हल्का सा लग गया पैर।
अभी यहाँ से हमारा घर है 5 किलोमीटर दूर। वैसे गए थे हम ये रास्ता से, लेकिन हम आए हैं फिलहाल ये वाले रास्ता से होकर के। अब चलते घर में फिलहाल कोई नहीं है, ताला लॉक है। वैसे चाबी है हमारे पास, तभी तो मैंने दरवाज़ा खोले। बहुत गर्मी लगा साइकिल चलाते चलाते, अभी इतना कम धूप है तो इतना गर्मी लग रहा था, अभी पूरी गर्मी बाकी है, इतना गर्मी लगेगा। तो फिलहाल इसको खोलते हैं, आप लोग को भी नहीं दिखाए ना हुआ होगा विशेष। काफ़ी ज़ोर से हम बांधे हुए थे, अभी भी हल्का हल्का ब्लड आ रहा है ना, वैसे पूरे बांध दिए थे ना, तब जाकर कैसा हुआ है। फिलहाल हम थोड़ा देर घुलटते हैं, वैसे अभी घर में कोई नहीं है, मम्मी आएगी तो ढेर सारा सवाल खड़ा कर देगी, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, साइकिल तेज चला रहा था इसे, मतलब ढेर सारा सवाल कर देगी। और फिर से हम पट्टी को बांध दिए हैं, मतलब ये कपड़ा को, क्योंकि खोले ना तो खोलने के बाद नीचे चल गया हल्का एक दो बूंदी और बाहर निकलने लगा, इसीलिए फिर से डाल दिए हैं कपड़ा। ऐसे ही करके थोड़ा देर रखते हैं जब तक सोते हैं, इसके बाद में करेंगे। ऐसा करना चाहिए, फिर खोल के रख दे, हवा लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, यही करते हैं। और गोड़ उठा करके रखेंगे ऐसे करके। खोलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, बताइए, अच्छा कट गया है, लेकिन वैसे अभी बुलेट तो नहीं आ रहा है, सूख गया है ना, और भी सूख जाएगा, पूरे ठीक हो जाएगा, दवाई लेना होगा वैसे हमको।